मेरा सपोर्ट तो सभापति डांगोरिया कर ये यूनियन बजट के लिए so minute, सर लास्ट मिनट सुबह से यहीं बैठे हैं सर अकेले हैं तो एक एक मिनट करके मांग जी मांग जी के आगे जा रहे हैं जिस स्थिति से ये देश गुजरा है दो साल कोविड के पीरियड में उसके बाद ये अपेक्षित नहीं था देश को इतना स्टेबल रखना फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर हमने देखा तो आज हम दसवें नंबर से पांचवें नंबर पे आए हैं अगर बाकी कंट्रियों को हम देखते हैं तो आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है कि एक किलो आटा दो सौ में मिल रहा है यूरोप की स्थिति अमेरिका की स्थिति अगर हम देखेंगे मुझे लगता है ये हाउस में जो अच्छी चीज़ें हैं उसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है जितना भी नेगेटिव बोलना है सिर्फ नेगेटिव पे नेगेटिव फार्मर्स को किस तरीके से मदद कर रही है ये सरकार मुझे लगता है कि देश के फाइनेंशियल हमारे जो मंत्री हैं कराड़ साहब हैं निर्मला सीतारामन जी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने देश को डूबने नहीं दिया इस स्थिति के बाद कोविड के बाद उसे उतना मेंटेन रखा और उसे उतना बजट दिया कि आगे देश बढ़ने के लिए जो लाइन चाहिए उसके लिए काम किया ना कि आज ये सर रूढ़ी साहब ये नई स्थिति आई है कि जो दूसरे देशों में कि दो सौ किलो आटा मिलने की स्थिति हमारे देश के आज नहीं है वो उसका पूरा क्रेडिट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है उसके बारे में बात करनी चाहिए मैंने हमारे बहुत सीनियर अंकल हैं कलकत्ता से वो बोल रहे हैं आवास योजना की बात उन्होंने यहाँ पर रखी क्या आवास योजना बाईस तक ये कंप्लीट होना चाहिए था देश के हर महिला को उनका घर मिलना चाहिए था उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था मुझे बताइए कि ये घर में ये फ्लोर पे या प्रधानमंत्री जी ने आवास का वादा किया था तो वो उसके लिए पूरा करने के लिए भी फंड हर इसमें बजट में वो घोषणा कर रहे हैं कि हर महिलाओं को उनका पक्का मकान मिलना चाहिए कई त्रुटियां होती हैं कई राज्यों में राज्यों के प्रॉब्लम के वजह से वो फंड नहीं देते करके वो आ, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आवाज़ है वो पूरा नहीं हो सका प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया मुझे हमने जितना समझता है हमारी उम्र के हिसाब से हम पहली बार ये पार्लियामेंट में आए पर हमारी अपेक्षा प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम को दो लाख ,00 करोड़ देकर उन्हें मजबूत करने का काम किया है दो लाख ,00 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट सर कोविड के बाद इतनी अपेक्षा नहीं थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एमएसएमई को इतना मजबूत करने के लिए इतना बड़ा फंड देके उन्हें जो टैक्स में रिलैक्सेशन दिया है कुछ त्रुटियां कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स हमें एम वालों के लिए सॉल्व करना चाहिए और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सर 25 और 27 तक हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी रेलवे स्टेशन लिए हैं कि मॉडर्न रेलवे स्टेशन उसे बनाना है उसमें बंडेरा स्टेशन है जो पच्चीस तक पूरा होगा सत्ताईस तक हमारा अमरावती स्टेशन है और भुसावल डिवीजन के जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे स्टेशन उसका भी नया काम होगा सर कौन कहता है महाराष्ट्र को पैसे फंड नहीं दिए गए हम महाराष्ट्र से एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 2022 और 23 में 11 11000 करोड़ रुपीज महाराष्ट्र को दिए गए थे रेलवे बजट में आवंटित किए गए थे और 23 और 24 में 13 थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज़ दिया है तो कौन कहता है बजट में हम नीचे गए बजट में हमने बढ़ोतरी की है हमने बढ़ाकर हमारे राज्य को बजट दिया इरिगेशन में सर महाराष्ट्र को आठ सौ करोड़ दिया गया है रूरल कनेक्टिविटी को चार सौ करोड़ रुपए दिए गए हैं और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र में फाइव एटी फाइव करोड़ रुपीज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट के लिए सेवन एटी सिक्स करोड़ सर स्टेट को हेल्प करने के लिए एक लाख तीस हजार करोड़ का प्रो एक बैलेंस अमाउंट बनाया जितनी स्टेट आ, आ, मांगेगी उसके अकॉर्डिंगली राज्य सरकार को केंद्र सरकार देगी उसके लिए मैं केंद्र सरकार का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सर कौन कहता नहीं मदद कर रहे हैं कौन कहता है कि बजट में नहीं है सर हमारे बन्नेरा में आ, वैगन कारखाना है जिसका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट कम्प्लीट हो गया है उसके लिए तेईस चौबीस के बजट में चालीस करोड़ से भी ज़्यादा हमारे वैगन कारखाने को मिला है तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि उसका भी जल्द से जल्द लोकार्पण करके वहां पर रोजगार की एक लाइन शुरुआत की जाए उसके लिए मैं आपसे विनंती करूंगी और सर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे मिनिस्टर सर यहाँ बैठे थे जल जीवन मिशन में हमारे अर्ब रूरल एरियाज में और ट्राइबल एरिया में जब कभी किसी ने नल से जल मिलने की नाम भी कभी नहीं सुना था हर गांव में हर ट्राइबल क्षेत्र में हर घर में नल की योजना वहाँ पे पानी की टाकी जो पाइपलाइन का काम ये जल मिशन के अंतर्गत हो रहा है और सुबह ही हमारे मंत्री महोदय ने यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब की तारीफ की कि जिस तरीके से हमें राज्यों का अपेक्षित है केंद्र को साथ देना उसी तरीके से उससे कई ज़्यादा साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी दे रहे हैं और जल जीवन मिशन का जो टारगेट है वो महाराष्ट्र में पूरा करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं एयरपोर्ट में सर पचहत्तर सालों में जो एयरपोर्ट के नंबर्स भी पूरे नहीं कर सके ये आठ वर्षों में ये सरकार ने उतने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा ये अपने इस बजट में की है तो मुझे लगता है हमारे जैसे क्षेत्र रूरल क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अमरावती क्षेत्र के लिए पचहत्तर करोड़ रुपया पिछले आ, साल दिए हैं तो मैं सिर्फ विनंती करूंगी जल्द से जल्द उसका काम पूरा हो जिससे हमारी अमरावती भी आने वाले समय में उड़ान भरे हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो एम्स हो नर्सिंग कॉलेजेस हो यही सब होता है जब आप देश के अर्थव्यवस्था जब बजट के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य लोगों को आपसे यही अपेक्षा है सर एक ही डेढ़ मिनट दीजिए सर तो टेक्सटाइल पार्क आ, मी मीकराड़ साहेबाना विनती करम कि वर्षी जो लास्ट टाइम पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने टेक्सटाइल पार्क घोषणा की थी कि कई राज्यों में कई डिस्ट्रिक्टों में हम टेक्सटाइल पार्क देंगे हमारा क्षेत्र कपास उत्पादन करने वाला क्षेत्र है जिला है तो टेक्सटाइल पार्क की हमने वहाँ से भी डिमांड की है महाराष्ट्र से भी रिकमेंडेशन हमारी आप तक सेंटर गवर्नमेंट तक आई है तो आपने अगर वो दिया तो हमारे यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे और किसानों को बहुत बड़ी मदद होगी सर आदिवासी क्षेत्र के लिए एक लव्य स्कूल देकर थर्टी एट थाउजेंड नई भर्तियां जो टीचर्स की करेंगे मुझे लगता है आदिवासी क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आने वाले समय में अगर ये टीचर्स और इतनी भर्ती अगर वहां पे करेंगे रूरल एरिया में तो हमारे आदिवासी भाई बहन बच्चे जो उनके हैं वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा सर बिहार से मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा बहुत सर एक एक लास्ट सर लास्ट मिनट सुबह से यहीं बैठे हैं सर अकेले हैं तो एक एक मिनट करके मांग मांग के आगे जा रहे हैं तो बिहार से मेरे भाई का मैं बहुत सीनियर हैं उन्होंने बोलते बोलते पूरे हाउस में जो जोरों शोरों से बोला कि क्या किया दलितों के साथ क्या किया पिछड़ों के साथ मुझे लगता है घर जिनको आवश्यकता है वो दलित और पिछड़े और गरीब लोगों के लिए घर हैं अगर हेल्थ व्यवस्था कोई कर रहा है तो देश के प्राइम मिनिस्टर जी उनके लिए कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो इस गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं अगर मनरेगा के अंतर्गत कोई काम करता है तो वो गरीब करता है सर लास्ट एक मिनट सर एक लास्ट मिनट वन मिनट सर सर लास्ट वन मिनट आई जस्ट टेक मिनट सर, लास्ट वाक्य अंतिम वाक्य बोलिए बस बैठिए फिर सर किसान भाइयों के लिए हमने पिछली बार प्राइम मिनिस्टर जी के जन्मदिन पर जब क्षेत्र हमारा शुरू था तब मैंने कहा था 6000 हजार जो हमारे प्राइम आ, किसानों को मिलता है वर्षाना उसको बढ़ाकर बारह हजार रुपए कर दिया जाए तो, तो मैं विनती करूंगी की उनको ये दिया जाए सर मेरा सपोर्ट तो नहीं सभापति डांगोरिया सर ये यूनियन बजट के लिए मैं आ, फुल हमारी సొంత ఇంటికాల నిజం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి సువర్ణ అవకాశం మార్కెట్ తక్కువ ధర ఇప్పుడు ఈసీఐఎల్ క్రాస్ రోడ్ పక్కనే టూ మరి త్రీ బెడ్రూమ్ ప్రీమియం అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం కాల్ చేయండి సుప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో సెవెన్ టూ డబల్ ఫైవ్